फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से ज़ीरो ऑयल स्नैक बनाएंगे जो बहुत टेस्टी होगा, ज़बरदस्त होगा। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है धुली मूंग की दाल। तो धुली मूंग की दाल आप किसी भी मेजरमेंट से ले सकते हैं। मैंने ये कटोरी ली है एक साइज़ की, तो आप कोई भी कटोरी एक ले सकते हैं। तो मैंने ये वैसे आधा कप है, तो इस कटोरी के नाप से मैंने ये एक कटोरी, छोटी कटोरी है मेरी, आधा कप इसमें आता है, तो ये मेजरमेंट है मेरा। तो मैंने ये आधा कप जो है धुली मूंग की दाल ले ली है। इसको खूब अच्छे से हम वॉश करके भिगो देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। और ये लिया है मैंने बारीक वाला, पतला वाला पोहा, हल्का पोहा। आप कोई सा भी पोहा ले सकते हैं, थोड़ा थिक पोहा भी ले सकते हैं। इसको भी हम धो लेंगे अच्छे से, और ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसको मैं पहले से इसलिए अभी नहीं भिगो रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ये भी मैंने मेजरमेंट से आधा कप ले लिया है, और इसको भी हम धो लेंगे अच्छे से, और फिर हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया है, और इसको मैंने भिगो दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये पोहा भी भीग गया है अच्छे से, गल गया है बिल्कुल। और ये दाल भी देखिए भीग गई है अच्छे से। इसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है आपको, बस भीग करके फूल जाती, देखिए टूट रही, बहुत अच्छे से मुलायम हो गई है। बस अब हम इनको सबको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ, इसके लिए हमको थोड़े से कुक्ड राइस चाहिए। तो मैं, ये मेरे पास कुक्ड राइस हैं बने हुए, जीरा राइस। तो इसमें से मैं 1 कप राइस यूज़ करूँगी। तो इन सबको मैं मिक्सर ग्राइंडर में धीरे धीरे सबको बारीक पीस लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये दाल पिस गई है, और बिल्कुल आप देखिए ये बारीक हो गई, एकदम बारीक, बढ़िया। थोड़ा सा इसमें मैंने, जिसमें दाल भिगोई थी, थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि भीग अच्छे से गई है तो इजीली ये पिस गई है। तो ये दाल हम इसमें निकाल लेते हैं पूरी, और इसी जार में हम ये जो चावल हैं, 1 कटोरी चावल, इसको हम, ये 1 कप चावल है, इसे हम पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये चावल मैंने पीस लिए हैं, ये भी देखिए मैंने बारीक पीस लिए हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते जैसे सूजी होती है, बिल्कुल। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है पीसने के लिए, तो आपको भी ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 कप चावल मैंने कुक्ड राइस, पका हुआ चावल मैंने पीसा है। मेरा जीरा राइस था विदाउट ऑयल। तो आप भी अगर मतलब चावल है जो घर में बना है, जीरा राइस नहीं है, प्लेन राइस है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सी में थोड़ा सा चावल चिपके हुए हैं, तो इसमें मैं 1/2 कप दही डालकर थोड़ा सा इसको चला लूँगी, तो ये जितना भी चावल चिपका हुआ है ये भी निकल जाएगा, और फिर इस दही को हम इसमें ऐड कर देंगे जो बैटर हम बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दही अच्छे से इसमें मिल गया है, और इसको मैं पूरे को निकाल करके इस बैटर में मैं मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स, अब इन सबको मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी डाल करके इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये सब कुछ अच्छे से मिल जाए और एक सा हो जाए, चिकना हो जाए। इसको हमें खूब फेंटना है, इसको इस तरह से स्पून से या विस्क से, जिससे भी आप करना चाहते हैं। हाथ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसको ऐसा नहीं है कि दही पकौड़े की तरह से हमें इसे वो करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से, क्योंकि चावल जो होते हैं ना, पीसने के बाद कभी कभी गांठे सी रह जाती हैं, पिस जाते हैं, लेकिन थोड़ा चिपक से जाते हैं। तो हमको अच्छे से इसको, देखिए मैं अच्छे से इसको बीट मिक्स कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अभी ये ऐसा है, इतना थिक है ये, हमें इसे बहुत पतला नहीं करना है अभी। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 कप ज्वार का आटा। ये ज्वार का आटा 1 कप मैंने लिया है, इसको हम अच्छे से इसमें धीरे धीरे पूरे को मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ज्वार का आटा भी इस पूरे मटेरियल में मैंने मिक्स कर लिया है, ये इतना थिक हो गया है, देखिए बहुत थिक है। लेकिन इसको अभी हम पतला नहीं करेंगे, और इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको हम ढककर किचन में ही, गर्म प्लेस पर, जहाँ भी ठंडक नहीं है आपके किचन में, उस जगह पर, हीट पर नहीं रखना है कि आप गैस पर या गर्म गैस पर रखें, ऐसा नहीं, बस थोड़ी गर्म जगह पर
इसको हम 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने पैन गरम कर लिया है। जब तक वो बैटर हमारा भीग रहा है, उसको हमने 2 घंटे के लिए रखा है। हम यहाँ थोड़ा सा चटनी की तैयारी करते हैं। तो 1/4 कप मैंने ये मूंगफली दाना लिया है, इसको हम हल्का सा भून लेंगे। बहुत लाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चटनी में कच्ची मूंगफली अच्छी लगती है तो आप बेशक इसको बिना भूने डालिए, लेकिन मुझे क्या है, थोड़ा सा भून करके इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हल्की सी इसका कच्चापन दूर कर देती हूँ मूंगफली का। तो ये मैं हल्का सा इसको, मैं जिसको कहते हैं अकोर लेंगे, या हम थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेंगे पैन में। देखिए फ्रेंड्स, ये मूंगफली कितनी अच्छे से भुन गई है। बहुत लाल नहीं की है मैंने, बस हल्का कच्चापन दूर किया है। अब इसमें मैं 1/2 कप कोकोनट डाल दूंगी, डेसिकेटेड कोकोनट है। और ये मैं इसको भी हल्का सा, बिल्कुल फ्लेम तेज है, बस इसको मैं अब थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी ये कड़ी पत्ता। और इसको मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें टमाटर, तकरीबन 1/4 कप टमाटर। और हम इसको हल्का सा सबको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो टमाटर का भी कच्चापन मैं थोड़ा सा ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है तो टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमने, देखिए कोकोनट को भी ब्राउन नहीं किया है बहुत, लेकिन हल्का सा कच्चापन ख़त्म किया है बस। और टमाटर को भी मैं, फ्लेम सिम है, बिल्कुल धीमी आँच पर हम इसको वो कर रहे हैं, क्योंकि पैन गर्म है बिल्कुल। और इसका मैं कच्चापन इस तरह से हल्का सा भून लूँगी, और टमाटर भी टेंडर हो जाएंगे हल्के से। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको इसको करने में, 1/2 मिनट, और हम बस इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको हम ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में अभी हम पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है मसाला। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पीस लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही था, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है। पानी आप इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी आप इसमें डाल सकते हैं, या आपको जितना पीसने के लिए ज़रूरी लग रहा है आप उतना ही बस पानी डालिए, और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, चटनी पीस गई है। अब हम इसका तड़का बना रहे हैं। तो ये मैंने राई डाली है, तकरीबन 1 टीस्पून राई है। इसको हम ड्राई ऐसे ही तड़का लेंगे। मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि मैं राई वगैरह ऐसे ही तड़का लेती हूँ, तो ये धीरे धीरे स्प्लिट हो जाएगी, तड़कने लगेगी, और हम तब इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। अभी मैं साथ में इसमें डाल रही हूँ मिर्च, हरी मिर्च, क्योंकि इसको मैं आपको पिछली रेसिपीज में भी दिखाया, मैं गैस पे भी तड़का लेती हूँ मिर्चों को, और बड़ी अच्छी सी भुन जाती हैं। लेकिन इसमें मैं यहाँ पर राई के साथ मिर्चों को भून रही हूँ संग में, तो ये बहुत अच्छा सा इसमें खुशबू आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये चटनी मैंने इसमें बोल में डाल ली। अब इसमें हम तड़का डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, राई तड़क गई है, मिर्च भी सिक गई है। इसमें मैंने बारीक कटा ये कड़ी पत्ता डाल दिया है, 6 से 7 कड़ी पत्ते हैं। और ये बहुत अच्छी सी इसमें अब मिर्च की धांस भी आ रही है। इसको मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब ये तड़का मैं राई में डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये राई और मिर्च मैंने चटनी में डाल दिया है। अभी हमने चटनी में नमक नहीं डाला है, अब हम चटनी में इसमें नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमने पैन फिर से गरम कर लिया है, फ्लेम पर रख दिया। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून राई। राई को हम अच्छे से इसमें तड़का लेंगे, जैसे अभी मैंने तड़काया था। और इसमें मैं हाथ के हाथ, अभी ये हरी मिर्च है, इसको मैं बहुत छोटा नहीं लेकिन थोड़ा सा काट लूँगी ऐसे टुकड़ों में। बहुत छोटा नहीं काटिए, आपको इस समय इसमें प्याज कद्दूकस करके भी आप ऐड कर सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, चटनी में भी आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है, हमारे यहाँ कोई पूजा वगैरह होती है, जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, या नवरात्रे होंगे, या दिवाली का फेस्टिवल आ जाएगा, उसके पहले हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा जैसे कई फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस पर हम लोग प्याज वगैरह नहीं बनाते हैं। प्याज लहसुन हमारे यहाँ भोग लगता है, तो इसीलिए मैंने प्याज लहसुन नहीं डाली है। राई तड़क गई है, अब इसको हमने फ्लेम को सिम कर दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी दाना मेथी, बहुत थोड़ी सी डालेंगे हम दाना मेथी, थोड़ा सा भुनी हुई है दाना मेथी,
बिल्कुल भी इसको भूनना नहीं है मेरे को, जीरा भी भुना हुआ है तो बहुत थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे और ये सब डालकर हम इसमें टमाटर डालेंगे तकरीबन हाफ कप। बारीक कटे हुए टमाटर हैं, इनको हम इसमें अच्छे से पूरे को मिक्स कर लेंगे और टमाटर जब तक गलेंगे तब तक हम इसको सिम पर करके ढक लेंगे। ढककर टमाटर हम बिल्कुल टेंडर होने तक बिल्कुल हम इनको पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस मसाले में हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब सांभर मसाला, 2 टीस्पून मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। ये पोटी मसाला मैंने घर में बनाया था, मैंने आपको बताया भी था इसकी रेसिपी पिछले, उसमें बहुत ही टेस्टी बना था। ये डालेंगे हम 1 टीस्पून और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इस मसाले में नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि सांभर मसाले और इनमें नमक होता है मसालों में, तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इन चीज़ों को हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे इन मसालों के साथ। आप देखिए मैंने बिल्कुल भी कहीं ऑयल नहीं यूज़ किया है, ये देखिए इसमें तकरीबन मैंने 1/4 कप पानी डाला है और इसको मैं बॉयल आने के बाद थोड़ा सा सिम कर दूंगी और इन मसालों के साथ मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी तब तक जब तक ये पूरा एक सार नहीं हो जाता, लेकिन हमको इसको सुखाना नहीं है मसाले को। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मसाला इसमें बना लिया है और ये देखिए बस इतना पतला है, इसको ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा, गाढ़ा मत करिएगा बहुत, सुखाइएगा नहीं, और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक बोल में करके रख लेंगे और देखिए यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए, है ना, तो इस तरह से पानी रख दिया है मैंने, पहले ही स्टीमर ऑन कर दिए हैं और अब ये मसाला मेरा तैयार हो गया। ऐसे में निकाल, बहुत मिर्च वाला मसाला है, इसे चटपटा बनाना है और आप इसमें जितनी चाहे मिर्च प्याज लहसुन ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मेरे को रखे हुए 1 घंटा हुआ है और ये थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है, ठीक है ना। आप इसको 2 घंटे रखेंगे तो ये अच्छे से फूल जाता है, काफ़ी एकदम अच्छे से हो जाता है, लेकिन क्योंकि क्या है कि मेरे को जल्दी बनाना है तो इसमें मैं सोडा यूज़ कर रही हूँ और बेकिंग पाउडर, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं तकरीबन 4 स्पून इसको मैं निकाल रही हूँ अलग, इस तरह से 3 से 4 स्पून आप इसको अलग निकाल रहे हैं, जितना आपको बनाना है आप उतना अलग निकाल लीजिए इसको। और अब देखिए ये मेरे पास हलवा प्लेट्स हैं, हलवा प्लेट्स आप जानते होंगे छोटी छोटी प्लेट्स आती हैं, उनको मैं इससे ग्रीस कर लूँगी बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल करके, थोड़ा सा ब्रश से इसको हम पूरे में इसको तेल को स्प्रेड कर देंगे जो हमारा ग्रीस का ये ब्रश होता है। और अब मैं देखिए इसको इस तरह से पूरे को अच्छे से ग्रीस कर दूंगी, हमें ऊपर तक ग्रीस करना है इसको इस तरह से। ये बिल्कुल देखिए ऐसा फूड है कि जो बिल्कुल ज़ीरो ऑयल, और आप इसको ना सात्विक उसमें भी खा सकते हैं, व्रत का नहीं है लेकिन क्या है कि ये सात्विक फूड में ही है क्योंकि इसमें हमने कोई लहसुन प्याज कोई भी ऐसी चीज़ हमने इसमें यूज़ नहीं करी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी बेकिंग पाउडर, ये देखिए बेकिंग पाउडर आप इसमें इसलिए डाला है, बेकिंग पाउडर सोडे में बहुत फ़र्क होता है, ये टिप मैं पहले भी अपनी रेसिपीज़ में दे चुकी हूँ। बेकिंग पाउडर सोडा एकदम से फुलाता है जिस भी चीज़ को बनाना है, और बेकिंग पाउडर जैसे केक वगैरह में धीरे धीरे हमें थोड़े टाइम तक हमें उसको फुलाना है, स्पॉन्जी करना है, तो उसमें ये हमारा बेकिंग पाउडर यूज़ होता है। तो इसमें मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ये बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और इसमें मैं बहुत थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालूंगी। खाने वाला सोडा हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही ये मैं डाल रही हूँ। अरे आई नहीं रहा है, ये देखिए ये बस
क्योंकि हमारा ये बैटर भी कम है। अब हम इसको अच्छे से पूरे को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें भी अंदर मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ, आपको डालना है तो ऑयल आप डाल सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा सा पतला करना है तो आप पतला कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और पतला नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुक्ड राइस है, कुक्ड राइस थोड़े स्टिकी होते हैं, तो इसलिए मैं इसको और पतला नहीं कर रही हूँ। राइस में कुकिंग चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए अब इसको हम स्पून से इतना डालेंगे जितनी हमारी प्लेट में जगह है। तो एक एक स्पून अभी मैं भर के इसमें डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इवनली तीनों में बाकी का बचा हुआ डाल, थोड़ा सा हम टैप कर देंगे। बस इसको मैंने देखिए थोड़ा थोड़ा सा ही भरा है। टैप करने से क्या होता है कि इवन हो जाता है पूरा। और मैं अपने स्टीमर, मैंने तीन स्टीमर चढ़ाए हुए हैं तीन बर्नर पे, तो मैं तीनों में एक एक रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक ये स्टीमर है, एक ये स्टीमर है और एक ये स्टीमर रखा है। इधर मैंने देखिए, इधर मैंने इसको डाल दिया है स्टीमर में और मैं इसको कवर कर देती हूँ। अब हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट तक या तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरा पक नहीं जाता। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए। अब मैं इडली को थोड़ा सा चेक करूंगी। ये वाला मैंने अभी चेक किया था, मेरे को थोड़ी कसर लगी थी होने में, हल्की सी देखिए चिपक रही है। वैसे क्या है, कुक्ड राइस है इसमें और पोहा भी मैंने सॉफ्ट वाला डाला है, तो इसमें थोड़ा सा चिपकता तो ये है, तो आप उसका वो मत करिएगा। अब इस वाली मैं इसमें देख रही हूँ, इसको मैं चेक कर रही हूँ, ये भी हल्का सा लग रहा है लेकिन ये हो गई है। ये देखिए ये हो गई है, ये वाली हो गई है, लेकिन उसमें मेरे को थोड़ी सी कसर लग रही है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं इसको, 13 मिनट हो गए हैं इसको, और मैं अब इसको बाहर निकालूंगी। देखिए हो गई है ना, अब मैं इनको दोनों को बाहर निकाल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत गर्म है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये ठंडा पानी, जो नॉर्मल पानी है, वो स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर, जिससे इसकी स्टीम यहीं पर रुक जाएगी। और हम इसको अभी नहीं निकालेंगे, इसको हम ठंडा करके निकालेंगे। और अगर आपको नहीं निकालना है तो आप इसी में इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये इजीली निकल जाती है, बहुत इजीली, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है। लेकिन क्या है, हम इसको ठंडा करके निकालेंगे तो ऐसे स्टिक होती है ये, और हम इसको इसी बाउल में सर्व कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको इन हलवा प्लेट्स में बनाते हैं, इन फैले हुए बाउल्स में बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट लॉट इडली का डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्की सी ठंडी हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ढीला कर ले रही हूँ स्पून से, इस तरह से, ऐसे स्पून के पीछे के हिस्से से। ये देखिए पूरी बाहर आ गई, बहुत बढ़िया ये बनती है इडली। और इसी तरह से मैं इसको भी ऐसे में निकाल, देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, कितनी बढ़िया बनी है एकदम। आप ऐसे प्लेट में इसको सर्व कर सकते हैं ये दोनों। तीसरी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम उसी प्लेट में सर्व करेंगे, है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा ये मिर्च वाली, जो हमने सांभर मसाले से और पोड़ी मसाले से बनाई थी, इस पे हम ये डालेंगे चटनी, ये वाली अच्छे से, जो जितनी आपको खानी है उतनी, ऐसे सेंटर में इसको। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। और इस पे हम ये डालेंगे थोड़ी सी कोकोनट की और मूंगफली की, टमाटर की चटनी, इस तरह से ऐसे। और अब हम इसको बहुत आराम से इसको हम काट के ऐसे खा सकते हैं। ये देखिए, कितनी लाजवाब, कितनी खूबसूरत और उतनी ही टेस्टी ये इडली बनती है। और आप ये ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए। और इसको देखिए, हम बोल में सर्व कर सकते हैं इसी तरह से, बिल्कुल बीच में हम ये चटनी डालेंगे और इसमें हम इस तरह से ये वाली चटनी डालेंगे। और ये देखिए, ये इडली भी इस तरह से तैयार है।
तो इस तरह से हम इसको अलग अलग तरीके से हम इसे सर्व कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। तो आप अपने घर में बनाइए, सबको खिलाइए और मुझे कमेंट बॉक्स पर आकर ज़रूर बताइए कि ज़ीरो ऑयल, रिच प्रोटीन, रिच विटामिन्स और बिल्कुल हेल्दी फूड आपको ये कैसा लगा। इतना लजीज बनता है खाना, तेल से खाना अच्छा नहीं बनता है, तेल आपको नुकसान भी करता है। तो इसलिए आजकल मैं ज़ीरो ऑयल फूड और बिना चीनी का फूड मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा होगा और आकर आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर बताते रहिए कि आपने पूरी रेसिपी देखी। मैं रेसिपी इसलिए पूरी देखने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे क्योंकि मैं बीच में जो टिप्स बताती हूँ वो आपको काम आएंगी, तो वो टिप्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरी रेसिपी देखिए। आपने बेल आइकन को प्रेस करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। आते रहिए और सबको बोलिए आने के लिए, अनूठी में विज़िट करते रहिए। अनूठी में विज़िट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।